ये राम मंदिर जो रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 22 तारीख जनवरी में, तब से मैंने देखा पूरा भारत में राममय हो गया। टीएमसी का जो कार्यकर्ता, इन लोगों में भी अभी चेंज हो रहा है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैं देख रहा हूँ पूरा मोदी जी के ऊपर भरोसा है, सबका आस्था है। और ख़ास करके ये राम मंदिर जो रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 22 तारीख जनवरी में, तब से मैंने देखा पूरा भारत में राममय हो गया। तो राममय और मोदीमय हर जगह मैं देख रहा हूँ। और मेरे ख्याल से यहाँ गाटला जो हमारा निर्वाचन लोकसभा केंद्र है उसमें आज आ रहा हूँ, तो उसमें अभी दूसरा और एक प्रोग्राम है वहाँ जाऊँगा। लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता में जो दम है मैं देख रहा हूँ, इतना उत्साह से, और आने वाले दिन वो पता लग रहा है क्या होने वाला है। सर, आपने ये रोड शो के दौरान देखा गया कि टीएमसी के सपोर्टर्स भी आपको स्वागत कर रहे थे? नहीं, ये तो होना चाहिए। धीरे धीरे इनमें से बहुत जो टीएमसी का जो कार्यकर्ता, इन लोगों में भी अभी चेंज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर ये लोग शासन चला रहे हैं और इस शासन में हम लोग देख रहे हैं जिस तरह दुर्नीति, इतना करप्शन कोई ह्यूमन बीइंग उसको मानेंगे नहीं। जिस तरह करप्शन और गुंडागर्दी, ये कभी भी कोई भी लोग मानेंगे नहीं। पहले यहाँ पर 34 साल लेफ्ट फ्रंट भी यहाँ पर राज चलाया, इनको भी आप देखिए वही है। फिर तृणमूल भी इस तरह चलाया तो इनको भी जाने का टाइम हो गया। त्रिपुरा में आप देखिए 10,323 का जो टीचर्स है वो भी वहाँ से चल, माने जैसे इन लोगों को नौकरी दिया था वो गलत ढंग से दिया था, वहाँ भी पतन हुआ है। और यहाँ पर भी 25,000 के ऊपर टीचर्स और इनके साथी जो है इनका भी वही हो रहा है। तो ये पता लग रहा है यहाँ पर टाइम आ गया अभी और यही होने वाला है। सर, संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी ने आज कहा कि वो संदेश खाली जाएंगे, लेकिन बीते कई दिनों से, कई माह से वहाँ पर लोगों ने उनको बुलाया नहीं गया, लेकिन इलेक्शन के लास्ट पर्व पर वो कह रहे हैं कि संदेश खाली वो जाएंगे। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री को तो हम लोग सब जानते हैं और मेरे ख्याल से उनको मालूम है वहाँ पर क्या हुआ है, इनको मालूम है। तो हमेशा मैं देखा, जब पहले भी हम लोग देखते थे यहाँ पर जैसे पार्क स्ट्रीट का घटना और कोई भी संदेश काली हुआ, नंदीग्राम, ये सबको मालूम है सब चीज़। सभी जगह में होने के बाद जब इनके शासनकाल में कोई भी काम होता है तो बाद में वो कहते हैं वो साजानो गल्पो, तो ये सब जनता जनार्दन है और अल्टीमेटली जनता का ही चुनना है। और ये इलेक्शन मोदी जी, आज भी हम देख रहे थे ये बिहार में एक जगह में उन्होंने भाषण दे रहे थे, ये अल्टीमेटली जनता का ये इलेक्शन है, ये पार्टी का इलेक्शन नहीं है, जनता का इलेक्शन है और जनता सब समझते हैं।